जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे साथियों कि आप बिना बैंक गए, यानी कि बैंक गए बिना आप अपना मोबाइल नंबर स्टेट बैंक में कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। साथियों कैसे जुड़ सकते हैं SBI के बैंक में, आप अपना मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे जुड़ सकते हैं साथियों, तो यही आज जानेंगे साथियों। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा साथियों, वीडियो को अंत तक देखें और पूरे प्रोसेस को समझने के बाद ही आप खुद से करने का कोशिश करें साथियों। तो इसके लिए चल पे साथियों, और इस तरह से आप जो है अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का जो ये प्रोसेस है, यानी कि SBI बैंक का, वो आपको यानी कि सेंड SMS, आप घर बैठे SMS भेज के, SMS सेंड करके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं साथियों। जैसे कि आपको यानी कि रजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक स्पेस देना होगा, उसके बाद आपका मोबाइल यानी कि अकाउंट नंबर डालना होगा साथियों, और इसको इतना नंबर, इतना कि जो नंबर दिया गया है उस पर सेंड कर देना है साथियों। तो चलिए फुल्ली प्रोसेस को हम करके दिखाते हैं, SMS को सेंड करते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेव होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए आपको यानी कि SMS बॉक्स में आना होगा। तो मेरा पर यहाँ जहाँ आपका यानी कि SMS हो, यानी कि होगा आइकॉन, वहाँ पे आप जाएंगे, SMS पे क्लिक करेंगे, SMS यहाँ पे एक भेजना है साथियों। तो यहाँ पे यानी कि किसको SMS टाइप करना है, तो जिन नंबर पे आपको बताए थे साथियों भेजना है, उसी नंबर को यहाँ टाइप करना है। तो नंबर वहाँ पर था 9223 48, उसके बाद फिर 4x8, यानी कि ये नंबर सेंड टू इतना करना है। और उसके बाद आपको जो भी SMS करना है साथियों, उसके बाद आपको SMS यहाँ पे देखिए पहले से भी SMS किया गया है साथियों, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नेगलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर्ड करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर कैपिटल में SMS टाइप करना पड़ेगा, R उसके बाद E, सभी लेटर यहाँ पे कैपिटल रहना चाहिए साथियों। यदि आपका स्मॉल यानी छोटा ABCD का अगर छोटा लेटर होता है तो आपका SMS यानी कि फेल्ड हो जाएगा, जाएगा ही नहीं बैंक के पास। तो यहाँ पे स्पेस, उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है साथियों, यहाँ पे ऐसे करने के बाद यानी कि यहाँ पे ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे REG लिखने के बाद एक स्पेस टाइप करना होगा, यानी कि स्पेस देना होगा साथियों। जैसे कि यहाँ पे हम एक स्पेस यहाँ पे दे दिए, एक स्पेस यहाँ पे चलाया, देखिए आपको बता दें यहाँ पे एक स्पेस चलाया, स्पेस आने के बाद यानी कि स्पेस आने के बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको टाइप करना होगा साथियों। तो वो हम यानी कि मेरा जो भी अकाउंट नंबर है तो आपको टाइप कर देते हैं साथियों। चलिए अकाउंट नंबर टाइप कर दिए साथियों, उसके बाद यानी कि यहाँ पे SMS यहाँ से सेंड कर दिए, और सेंड करने के बाद आप यानी कि 1 से 2 सेकेंड के, उसके बाद आपके यानी कि मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड फॉर दिस फैकल्टी, यानी कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है इस फैकल्टी के लिए रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा साथियों। कभी कभी आपका यानी कि ये मैसेज आएगा योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन SBI बैंक साथियों। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपका यानी कि क्या करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए साथियों, इंतजार कीजिए, और आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा साथियों। अगर तब पर भी आपका यानी कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता साथियों, तो अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि आप किस तरह से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऐसे, यानी कि इस माध्यम से। तो यानी कि 50% का हो जाना चाहिए साथियों, जिसका एक बार भी KYC दिया हुआ होगा बैंक में, 50% साथियों। अगर नहीं दिया होगा तो किस तरह से, किस माध्यम से करेंगे साथियों, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।